मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बायो ऑयल के यूजेस एंड रिव्यू। तो ये जो बायो ऑयल है आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा यूज कर लिया है और इसका मैंने हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने इसे कुछ दिन यूज किया है और इसके बहुत सारे मल्टी यूजेस पता किए हैं और इसके बेनिफिट्स पता किए हैं, और इसलिए मैं इतने दिनों बाद इस वीडियो को शेयर करी हूँ आपके साथ ताकि आपको इसका बिल्कुल राइट रिजल्ट मिले। तो ये जो बायो ऑयल है ये है 125 ml का और इसकी प्राइसिंग है 645 rupees। तो ये जो बायो ऑयल है नंबर वन सेलिंग है फॉर स्कार्स रिमूवल एंड स्ट्रेच मार्क्स के लिए। आप इसे कह सकते हैं वन प्रोडक्ट मल्टी यूजेस। तो बायो ऑयल इज अ स्पेशलिस्ट स्किन केयर ऑयल फॉर रिमूविंग स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स, गिल्स, इवन स्किन टोन। एजिंग एंड रिहाइड्रेटिंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें होता है प्योर सेलिन ऑयल जो कि आपकी स्किन में इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। और जो सेलिन होता है यानी विटामिन सी, ये क्या वर्क करता है, ये हमारे सेलिन जो होता है वो विटामिन सी उसमें पाए जाते हैं, ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन के जो एक्ने स्कार्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं यानी डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और आपके डल और आपकी एजिंग स्किन को, एजिंग स्किन को रिंकल्स को डील करता है। और डिहाइड्रेटेड अगर आपकी स्किन है यानी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये सेलिन ऑयल होता है और ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंटेन्स टू मेनी ऑयल्स लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, कैलेंडुला ऑयल, लैवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल और ये और भी बहुत सारे ऑयल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है आपके एक्ने मार्क्स के लिए, स्कार्स के लिए, कोई भी तरह का अगर आपको कोई बर्थ मार्क है या फिर ऑपरेशन हुआ है आपका और उसका स्टिचिंग मार्क है और स्ट्रेच मार्क्स है आपको, मेरी तरह अगर बहुत सारे स्कार्स हैं आपको और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स होते हैं आपको, अगर आपकी एजिंग स्किन है या फिर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बायो ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। तो ये था मेरा मिनी सा रिव्यू। अब मैं इसके यूजेस बताती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि जिनकी अगर ड्राई स्किन है वो डेफिनेटली इसे एज अ नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इस ऑयल को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है, राइट। लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल स्किन है तो उन्हें बिल्कुल भी अपने फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। मैंने बायो ऑयल को 1 week के लिए अपने फेस पे यूज किया और मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हुए। यू कैन क्लियरली सी दिस। आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, ओनली लिपस्टिक और मैंने आईलाइनर अप्लाई की हुई है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अगर ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले इस ऑयल को अपने फेस पे यूज करते हैं तो कितने सारे एक्ने मार्क्स, कितने सारे पिंपल्स होंगे आपको, आप देख ही सकते हैं मेरा जो फेस है वो बिल्कुल लाइक गॉन। मेरे हस्बैंड की ड्राई स्किन है, मैंने उन्हें ये 1 week के लिए डेली रात को अप्लाई करने के लिए बोला, उनकी स्किन बिल्कुल लाइक बहुत ही ग्लो कर रही थी। तो मुझे एक चीज समझ में आया और उन्हें पिंपल्स भी नहीं हुआ। ड्राई स्किन वाले लोग अगर इसे यूज करते हैं तो उन्हें पिंपल्स नहीं होगा, उल्टा उन्हें बहुत अच्छा इफेक्ट देगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डिहाइड्रेटेड स्किन यानी ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं और ये है बायो ऑयल। इसे सिंपली आपको अपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और 1 drop या 2 drop आप बायो ऑयल लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करिए और चाहे आप तो पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो सिर्फ अपने जहाँ पे आपको स्कार्स है, ब्लेमिशेस है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइज, इससे आपको पिंपल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे बहुत सारा डार्क सर्कल्स अक्सर हो जाता है बिकॉज मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ और मैं अक्सर मोबाइल कैमरा के सामने एडिटिंग वेडिटिंग करती रहती हूँ तो मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो सिंपल सा आपको कोई भी नाइट क्रीम लेना है या फिर आप ले सकते हैं कोई भी आई क्रीम जो कि डार्क सर्कल्स के लिए है। तो मैं यहाँ पे वादी हर्बल का अंडर आई क्रीम यूज कर रही हूँ विच ऑलरेडी हैव एलमंड ऑयल एंड क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट। बट इसमें आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा आपको अगेन क्रीम लेना है अपने हाथ पे और 1 drop बायो ऑयल लेना है और अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई करना है एवरी नाइट।
तो ये एप्लीकेशन में भी बहुत इजी हो जाता है और बिल्कुल कोई तामझाम नहीं है, और आप इसे एवरी नाइट यूज करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। कभी कभी डार्क सर्कल जो है वो हमें सिर्फ ड्राई स्किन की वजह से भी हो जाती है, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और ऐसे आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डल है आपकी बॉडी स्किन, तो आप कोई भी बॉडी लोशन में आप इसे मिक्स करके सिंपली अपने हाथों में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपने हाथों में अप्लाई करके दिखाती हूँ। सिंपली आपको सेम इसी तरीके से बॉडी लोशन लेना है, सिंगल ड्रॉप ऑफ बायो ऑयल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक बॉडी स्क्रब बनाएंगे। तो अगर आपको बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और आप उसे बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हैं यानी हटाना चाहते हैं, तो आप बायो ऑयल को डेफिनेटली डेली यूज कीजिए कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 months, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका दोगुना फास्टर रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्लीन बाउल लीजिए और एक कॉफी साशे, तो आप ये पूरा एक कॉफी है। अब इसमें क्या करना है, आपको इस ऑयल को ऐड करना है, थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल। ये जो तो ये मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको बॉडी में अप्लाई करके तो नहीं बट मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके इसे दिखाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सीरियसली गाइस। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और आप मैंने कोई सोप यूज नहीं किया है, आपको सिंपली इसे प्लेन वाटर से वॉश करना है और आप देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ज्यादा शाइन कर रहा है ना। तो बिल्कुल यही वाला मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन को मिलेगा और कॉफी आपकी स्किन को ब्राइटन अप बनाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं अगर आप इसे अपने बॉडी में यूज करेंगे तो कितना अच्छा इफेक्ट आने वाला है, और इसके बाद आप बायो ऑयल यूज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बायो ऑयल का रिव्यू और उसका यूजेस। आई होप ये आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।